नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 12, जो कि है कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, हमारा नेक्स्ट क्लास, जो कि है एंटीवायरल ड्रग। तो एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में देखेंगे, ऐसे ड्रग्स जो कि वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं। तो इनके बारे में देखेंगे, वायरल इन्फेक्शन में कौन कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एंटीवायरल ड्रग्स की। एंटीवायरल ड्रग्स आर द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन। तो एंटीवायरल ड्रग ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, सबसे पहली कैटेगरी है एंटी हर्ब्स वायरस, जिसका एग्जांपल है एसाइक्लोविर, वैलासाइक्लोविर। देन नेक्स्ट है एंटी रेट्रोवायरस, जिसमें सब कैटेगरीज दी गई है। सबसे पहली कैटेगरी है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसके एग्जांपल है जिडोवुडिन, लैमिवुडिन। देन नेक्स्ट है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसके एग्जांपल है नेविरापिन, इफेविरेंज। देन नेक्स्ट है रेट्रोवायरल प्रोटीएज इनहिबिटर, जिसके एग्जांपल है रिटोनावीर, एम्फ्रेनावीर। देन नेक्स्ट है थर्ड कैटेगरी, जो कि है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसका एग्जांपल है एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन। एंड लास्ट कैटेगरी है नॉन सिलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स, जिसके एग्जांपल है रिबावीरिन एंड इंटरफेरॉन अल्फा। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो गया एंटीवायरल ड्रग्स का। देन नेक्स्ट हम वन बाय वन इन ड्रग्स के बारे में देखेंगे, इनके मैकेनिज्म, इनके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी सबसे पहली कैटेगरी देखेंगे, जो कि है एंटी हर्ब्स वायरस, जिसमें हमारा सबसे पहला ड्रग है असाइक्लोविर। तो असाइक्लोविर के बारे में देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है, इसके मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले असाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट एक्ट ऑन एनालॉग टू डी ऑक्सीग्योनोसिन ट्राइफॉस्फेट DGTP। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो असाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट होता है ये क्या करता है, ये जो एनालॉग होता है, ये जो डी ऑक्सीगुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इस पर अपने एक्शन शो करता है, इस पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनिबिट वायरल DNA पॉलीमरेज एंड रिप्लिकेशन प्रोसेस। तो जो भी DNA पॉलीमरेज होता है, वायरस का जो भी DNA पॉलीमरेज होता है, उसको इनिबिट कर देता है, और साथ में रिप्लिकेशन प्रोसेस भी ये इनिबिट कर देता है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इंडिकेशंस, एसाइक्लोविर इज यूज टू ट्रीट। तो ये कौन कौन सी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, सबसे पहला है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स ये एक वायरल इन्फेक्शन डिसऑर्डर है, इसमें रैशेस आते हैं स्किन पे। हर्ब जॉस्टर, तो इसमें भी स्किन पे रैशेस आते हैं। जेनाइटल नियोनाटल डिसइमिनेटेड, तो ये एक डिसऑर्डर है, इसको ट्रीट करने के लिए भी असाइक्लोविर का यूज़ किया जाता है। एन्सेफेलाइटिस, तो एन्सेफेलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन, अगर ब्रेन का इन्फ्लामेशन है तो उस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये इंडिकेशंस हो गए असाइक्लोविर के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, रेनल इंपेयरमेंट, किडनी अगर प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम मतलब क्या होता है, जो ब्लड वेसल होती है वो डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम बोलते हैं, इस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिविटी में यूज़ नहीं कर सकते। थ्रोम्बिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपुरिया, तो इस कंडीशन में भी ये ड्रग हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके साइड इफेक्ट्स देखेंगे, अपसेट स्टमक, स्टमक अपसेट हो जाता है, वोमिटिंग। देन नेक्स्ट है डायरिया, डिजीनेस, टायर्डनेस, एगिटेशन, हेयर लॉस, तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हो गए एसाइक्लोविर के। इनके डोज देखेंगे, एसाइक्लोविर का डोज है 400 mg ओरल रूट से दिया जाता है। वैलासाइक्लोविर का डोज होता है 1 ग्राम, ये भी ओरल रूट से दिया जाता है। फैम्सिक्लोविर का डोज होता है 500 mg, ये भी ओरल रूट से दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग होते हैं एंटी हर्ब्स वायरस। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स के बारे में। तो एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स में हमने सब कैटेगरीज देखी थी, तो उनके बारे में वन बाय वन हम यहाँ पर देखेंगे। इनमें से सबसे पहली कैटेगरी है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इसका ड्रग है जिडोवुडिन। तो इसके बारे में देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, किस तरीके से काम करता है। जिडोवुडिन एक्ट ऑन चैन टर्मिनेटर ऑफ DNA सिंथेसिस। तो DNA सिंथेसिस में जो चैन टर्मिनेटर होता है, जो भी चैन होती है DNA की, उसमें जो टर्मिनेटर होता है उस पर ये जाके अपने एक्शन शो करता है, उस पे जाके एक्ट करता है, जिसकी वजह से एंड इनिबिट द HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो जो भी HIV होता है उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है उसको इनिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, अनेबल वायरस टू रिप्लिकेट।
तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये इनिबिट होने की वजह से जो वायरस है वो रिप्लिकेट नहीं कर पाता है, तो इस तरीके से ये ड्रग काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे लैमिवुडिन, ये नेक्स्ट ड्रग है, दूसरा ड्रग है लैमिवुडिन इस कैटेगरी का, इसके बारे में देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है। लैमिवुडिन शो टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट, तो दो तरीके के इफेक्ट दिखाता है लैमिवुडिन। सबसे पहला है इनिबिट बोथ टाइप ऑफ एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनिबिट करता है, और साथ में क्या करता है, अल्सो इनिबिट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हेपेटाइटिस बी वायरस का भी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है उसको भी इनिबिट कर देता है, तो इस तरीके से ये एक्शन शो करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैवुडिन, तो स्टैवुडिन किस तरीके से काम करता है, स्टैवुडिन इज न्यूक्लियोसाइड एनालॉग ऑफ थाइमिडिन, तो ये थाइमिडिन का न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, कौन सा, स्टैवुडिन। ये क्या करता है, इनिबिट रिप्लिकेशन ऑफ एचआईवी इन ह्यूमन सेल्स इन विट्रो, तो ये एचआईवी का जो रिप्लिकेशन है उसी को इनिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो वायरस है वो ग्रो नहीं हो पाता और उसकी डेथ हो जाती है, तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके थेरेप्टिक यूज, मतलब इंडिकेशंस देखेंगे कौन सी कंडीशन में ये यूज किए जाते हैं। ज़िडोवुडिन इज यूज्ड इन प्रेग्नेंट वुमन टू प्रिवेंट पासिंग एचआईवी वायरस टू अनबॉर्न बेबी, तो ज़िडोवुडिन ये ड्रग कहाँ पर यूज किया जाता है, जो प्रेग्नेंट वुमन होती है तो उसको ये डिलीवरी के टाइम दिया जाता है, अगर प्रेग्नेंट वुमन को एड्स है, उसके बॉडी में एचआईवी वायरस है, तो ये जो एचआईवी वायरस है ये अनबॉर्न बेबी को, जो उसका बेबी है उसको भी ना हो, इसके लिए जो ज़िडोवुडिन है ये ड्रग दिया जाता है। देन नेक्स्ट है लैमिवुडिन, लैमिवुडिन यूज टू ट्रीट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, तो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए लैमिवुडिन का यूज़ किया जाता है। स्टैवुडिन यूज टू ट्रीट एचआईवी, एड्स जो होता है ये किसकी वजह से होता है, एचआईवी की वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है, तो इसको ट्रीट करने के लिए स्टैवुडिन का यूज किया जाता है, तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, सबसे पहला है डायबिटीज, डायबिटीज की कंडीशन में हम ये यूज नहीं कर सकते, ओवरवेट अगर ऑबेस पर्सन है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग यूज नहीं कर सकते, ओवरवेट यहाँ पर ओवरवेट। देन अल्कोहलिज्म, मतलब हेवी ड्रिंकिंग करता है कोई और कंट्रोल नहीं कर पाता, उस कंडीशन में ये ड्रग यूज नहीं कर सकते। इनलार्ज फैटी लीवर, अगर लीवर में फैट डिपोजिशन हुआ है तो उस कंडीशन में ये ड्रग यूज नहीं कर सकते, लीवर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी यूज नहीं कर सकते। एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रिया, पैंक्रिया में इन्फ्लामेशन है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज नहीं कर सकते। इनके साइड इफेक्ट्स देखेंगे, बर्निंग सेंसेशन होती है, नमनेस, अनस्टेडीनेस, वीकनेस, हेडेक, डायरिया, हार्टबर्न, डिप्रेशन, स्टफी नोज, कफ, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, कॉमन टर्म्स है, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इनका डोज देखेंगे, ज़िडोवुडिन 600 mg ओरल रूट से दिया जाता है, लैमिवुडिन 5 mg पर kg ये भी ओरल रूट से दिया जाता है, स्टैवुडिन 1 mg पर ml ओरल सॉल्यूशन ये दिया जाता है, तो इस तरीके से ये डोज होते हैं इनके। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी सेकेंड कैटेगरी जो कि है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, तो इसमें सबसे पहला ड्रग है इफावीरिन, इसके बारे में देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है। इफावीरिन स्टॉप एचआईवी प्रोडक्शन, तो इफावीरिन एचआईवी प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है, मतलब जो भी एचआईवी प्रोडक्शन है, एचआईवी वायरस का प्रोडक्शन है वो स्टॉप कर देता है बाय बाइंडिंग डायरेक्टली इनटू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये जो ड्रग है ये भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से जा बाइंड हो जाता है एंड प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ आरएनए टू डीएनए, और आरएनए का डीएनए में जो कन्वर्जन होता है उसको प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता है एचआईवी का वो स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर इन्फेक्शन नहीं होता, तो इस तरीके से ये ड्रग काम करता है। इसके थेरेप्टिक यूज देखेंगे, इसके इंडिकेशंस देखेंगे, ऑल दिस ड्रग्स आर एक्टिव अगेंस्ट एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ओनली, तो ये जो ड्रग होते हैं ये जो एच आई वी वन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है इसके अगेंस्ट एक्टिव होते हैं, तो ये इनका यूज हो गया। इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ये यूज नहीं कर सकते। साइड इफेक्ट्स देखेंगे, CNS सिम्टम्स दिखते हैं, स्किन रैशेज, GIT अपसेट, इलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल, तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हो गए इफावीरिन के। देन डोज देखेंगे इफावीरिन का 600 mg ओरल रूट से ये दिया जाता है, तो इस तरीके से ये ड्रग होता है इफावीरिन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इस कैटेगरी का सेकेंड ड्रग जो कि है नेविरापिन एंड डेलाविरिडिन, तो इनके बारे में देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है, इनके इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है उसके बारे में देखेंगे। नेविरापिन बाइंड्स टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये जो ड्रग है ये क्या करता है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उससे जाके बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉक द आरएनए डिपेंडेंट एंड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटीज, तो जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटीज होती है और आरएनए डिपेंडेंट की एक्टिविटीज होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से कॉज डिस्ट्रप्शन ऑफ एंजाइम्स कैटालिटिक साइट,
साइट, तो जो एंजाइम की कैटालिटिक साइट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी वायरस है उसके वाइटल फंक्शंस प्रॉपरली नहीं हो पाते और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके थेरेप्टिक यूज टू ट्रीट HIV-1 वायरस इन्फेक्शन। तो HIV के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं चिल्ड्रंस में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते, लीवर इम्पेयरमेंट अगर लीवर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में ड्रग यूज़ नहीं कर सकते, लीवर फेलियर तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। साइड इफेक्ट्स देखेंगे पेन इन हैंड्स आर्म्स, तो हमारे हैंड्स में आर्म्स में पेन होता है, स्लीपीनेस, स्टमक पेन, बर्निंग सेंसेशन, तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हो गए। डोज देखेंगे नेविरापिन का डोज होता है 200 mg, ओरल रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग हो गया नेविरापिन एंड ग्लावेडिन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी थर्ड कैटेगरी जो कि है रेट्रोवायरल प्रोटीज इनहिबिटर्स। तो इसके बारे में देखेंगे इसके ड्रग्स हैं इंडेनावीर, सेक्विनावीर, रिटोनावीर। तो इनके बारे में देखेंगे इंडेनावीर बाइंड द एक्टिव कैटालिटिक साइट ऑफ HIV प्रोटीएज। तो जो HIV प्रोटीएज होता है उसकी जो एक्टिव कैटालिटिक साइट होती है उससे जाके ये ड्रग बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इनिबिट द एंजाइम्स एबिलिटी टू क्लीव पॉलीपेप्टाइड इनटू एक्टिव इन्फेक्शियस प्रोटीन। तो इसकी वजह से क्या होता है ये जब ड्रग जो कैटालिटिक साइट है उससे जाके बाइंड होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है जो एंजाइम की एबिलिटी होती है एक एक्टिव इन्फेक्शियस प्रोटीन के फॉर्मेशन की वो ब्लॉक हो जाती है, वही ये ड्रग इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन जो है वो फॉर्म ही नहीं कर पाता, उसका फॉर्मेशन ही नहीं होता। तो इसकी वजह से जो भी वायरस होता है वो नॉन इन्फेक्शियस रहता है और उसकी वजह से फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके थेरेप्टिक यूज। दिस ड्रग आर यूज्ड टू ट्रीट ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इन्फेक्शन, मतलब HIV वायरस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। डायबिटिक पेशेंट में हम ये ड्रग नहीं दे सकते, हाई कोलेस्ट्रॉल है जिनके बॉडी में उनको ये ड्रग नहीं दे सकते, लीवर प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है, हीमोफीलिया है, तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके साइड इफेक्ट्स, कन्फ्यूजन, डिहाइड्रेशन, इंक्रीज थ्रस्ट मतलब प्यास बढ़ जाना, इंक्रीज यूरिनेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं इन ड्रग्स के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके डोज देखेंगे यहाँ पर इंडेनावीर का डोज होता है 800 mg, ओरल रूट से दिया जाता है, सेक्विनावीर का डोज होता है 100 mg, ओरल रूट से दिया जाता है, रिटोनावीर का डोज होता है 100 mg, ये भी ओरल रूट से दिया जाता है। तो इस तरीके से ये इनके डोज हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी थर्ड कैटेगरी जो कि है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसके बारे में देखेंगे इसके ड्रग है एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, दिस ड्रग इनहिबिट द अनकोटिंग ऑफ वायरस RNA इन इन्फेक्टेड सेल। तो जो भी इन्फेक्टेड सेल है उसमें जो भी वायरल RNA है उसकी जो अनकोटिंग है उसको जाके ये इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिवली प्रिवेंट वायरल रिप्लिकेट। तो जिसकी वजह से क्या होता है जो भी वायरस होता है वो रिप्लिकेट नहीं कर पाता। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं। इसके इंडिकेशंस देखेंगे, थेरेप्टिक यूज देखेंगे, पार्किंसंस डिसीज। तो पार्किंसंस डिसीज इस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं जस्ट टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा ए। तो इन्फ्लुएंजा ए ये एक इन्फेक्शन हो गया तो इसको ट्रीट करने के लिए भी ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं। और पार्किंसंस डिसीज ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसको ट्रीट करने के लिए भी ये ड्रग यूज किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स देखेंगे, सबसे पहला है ब्लैडर पेन, ब्लैडर में पेन होने लगता है, ब्लर्ड विजन, लाइट हेडेडनेस, स्वेलिंग इन हैंड्स, तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हो गए। इसका डोज देखेंगे एमेंटाडिन का डोज होता है 200 mg, ओरल रूट से ये दिया जाता है, रिमेंटाडिन का डोज होता है 100 mg, ये भी ओरल रूट से दिया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन। इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, हिपैटिक डिसफंक्शन मतलब लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते, किडनी इम्पेयरमेंट, ये सारे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी लास्ट कैटेगरी जो कि है नॉन सिलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग। तो इसके बारे में देखेंगे, इसका ड्रग है इंटरफेरॉन अल्फा। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है, इंटरफेरॉन रेजिस्टेंस टू वायरल इन्फेक्शन बाय सेवरल मैकेनिज्म इंक्लूड। तो बहुत सारे मैकेनिज्म के थ्रू ये वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट कर है। तो यहाँ पर हमें कुछ मैकेनिज्म दिए गए हैं इंटरफेरॉन अल्फा के। सबसे पहला है इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। जो भी वायरल सेल है उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको ये इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो भी वायरस है वो सर्वाइव नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है। देन नेक्स्ट है इनएक्टिवेशन ऑफ वायरल RNA। जो वायरस का RNA है उसको इनएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से रिप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं होती। तो इस तरीके से ये एक मैकेनिज्म हो गया। देन नेक्स्ट है
इन्हेंस फैगोसाइटिक एंड साइटोटॉक्सिक मैकेनिज्म। तो जो फैगोसाइटिक और साइटोटॉक्सिक मैकेनिज्म है उसको ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो भी वायरल इन्फेक्शन है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डोज। डोज होते हैं इंटरफेरॉन अल्फा के 3 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस रूट से ये दिए जाते हैं। रिबावरिन का डोज होता है 800 mg, ये ओरल रूट से दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो पूरा क्लासिफिकेशन था एंटीवायरल ड्रग का, इसमें जितने भी ड्रग्स थे वो सारे देख लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।